नमस्कार, विशेष का वक्त है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो देश भर में इन दिनों कार्डियक अरेस्ट के मामले लगातार बढ़े हैं, प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश में दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की जान बचाने के लिए चिकित्सा विभाग और परिवहन विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर किसी घायल व्यक्ति को सही समय पर सही इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है, हम सब जानते हैं। कार्डियक अरेस्ट मामले में अगर घायल व्यक्ति को समय पर सही तरीके से सीपीआर दे दिया जाए तो उसकी भी जान बच सकती है, ये सब भी हम जानते हैं। अब ऐसे में इसके लिए क्या काम हो रहा है, किस तरीके से दोनों विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, इस पर ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर जवाहर कला केंद्र में सरकार की उपलब्धियों पर विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 4 साल में किए गए विकास कार्यों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। इस कड़ी में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई विजिट में बेसिक लाइफ सपोर्ट और गुड सेमेरिटन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर राजकुमार राजपाल ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में अनजान घायल व्यक्ति की मदद कर जीवन बचाने वालों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा ट्रामा सेंटर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में स्किल लैब का निर्माण किया गया है, जहां आम नागरिक को बेसिक लाइफ सपोर्ट सीपीआर का सर्टिफिकेट प्रशिक्षण एक्सपर्ट मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा दिया जाता है। आजकल जो ट्रोमा केसेस हैं वो 70% जो ट्रोमा केसेस होते हैं रोड एक्सीडेंट्स के होते हैं, और रोड एक्सीडेंट में राजस्थान के अंदर में 10,000 से भी ज़्यादा यंगस्टर्स जो होते हैं ज़्यादातर उनकी भी डेथ्स हो जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक आम इंसान, आम नागरिक जब भी कभी सड़क दुर्घटना देखे तो वो उनकी मदद को आगे आए। राजकुमार राजपाल, जिन्हें रोड सेफ्टी पर 2 बार नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड और 2021 में नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। 3 बार राज्य अवार्ड द्वारा मुख्यमंत्री और विभाग द्वारा भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि हॉस्पिटल के बाहर अचानक किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए एक आम इंसान तब तक क्या करे जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती या फिर घायल को अस्पताल नहीं पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बचाई जा सके। ट्रामा सेंटर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा इसके लैब का निर्माण किया गया है, जहां परिवहन विभाग एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय में संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क बेसिक लाइफ सपोर्ट का सर्टिफिकेट प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां कोई भी आम नागरिक रजिस्ट्रेशन करवा कर इस कोर्स को कर सकता है। प्रत्यक्षदर्शी ना बनके उसके जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने बताया कि उसकी स्थिति को भांप कर और जो भी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में उसको सबसे पहले मदद करें, और अगर उसको वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको चेक किया जाए, उसके पल्सेस चेक की जाएँ, और उसके बाद उसको CPR देने के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ पर बताया है, और एक कोर्स भी बताया है डॉक्टर साहब ने जिसमें भी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS में सबसे पहले जैसे ही आप कोई रोड एक्सीडेंट देखते हैं, सीन सेफ्टी अपनी सुरक्षा और दुर्घटना स्थल सुरक्षित है या नहीं ये देखते हुए एम्बुलेंस 108 पर कॉल करें, और कितने दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उनमें से सबसे सीरियस कौन है ये देखें। जो अचेत अवस्था में घायल हैं उनके पास जाकर थपथपाते हुए पूछें कि क्या तुम ठीक हो, अगर वो सही होगा तो आपको रिस्पॉन्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। फिर 10 सेकंड के अंदर उसके गले पर कैरोडिल पल्स और साथ ही श्वास गति को भी चेक करें, चल रही या नहीं, यदि नहीं चल रही तो CPR देंगे। CPR कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन देंगे, जिसमें छाती पर स्टारनम बोन पर हाथों की हथेलियों को रखकर कोहनी को सीधा रखते हुए 1 मिनट में 100 से 120 बार तक दबाएंगे, 2 से 2.4 इंच तक दबाएंगे छाती को, वापस फूलने देंगे, 30 बार दबाव देने के बाद 2 बार मुंह से सांस देंगे। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले हमें किसी की मदद करनी चाहिए, वो सिचुएशन को देख के पता करना चाहिए कि कोई ज़्यादा सीरियस हो रहा है, उसको हमें पहले उस
बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी ब्रीथिंग चेक करनी चाहिए, अगर सांस नहीं ले पा रहा तो उसे माउथ ब्रीथिंग भी देनी चाहिए, फिर उसकी पल्सेस चेक करनी चाहिए, ऐसे हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की 2020 नई गाइडलाइन के मुताबिक यदि आप मुंह से सांस ना देना चाहें तो हार्ट को दबाव तब तक देते रहें जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती या आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते। वहीं अब परिवहन निरीक्षक यशपाल ने बताया कि चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर परिवहन विभाग भी आमजन की जान बचाने का कार्य करता है। हाईवे पर तैनात सभी परिवहन अधिकारी और कर्मचारी CPR की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। जहां भी दुर्घटना होती है वहां विभाग के कर्मचारी घायल व्यक्ति की मदद करते हुए उसकी जान बचाते हैं। परिवहन निरीक्षक ने बताया कि सरकार ने भी नियमों में ढील देते हुए बड़े कदम उठाए हैं। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले का नाम पता तक पुलिस और डॉक्टर नहीं पूछते हैं, जिससे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है और समय पर उपचार होने से उसकी जान बचाई जा सकती है। अब राज्य सरकार ने इवन उसको 5,000 का इनाम और प्रशस्ति पत्र दे रखा है, जो कि इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत ये एक नया वो है, तो इसको प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी घायलों को अपन ने देखा है और घायलों की मदद करनी है तो आप 108 पे फ़ोन करेंगे या 100 नंबर पे करेंगे, या हाईवे पे हैं तो 1033 नंबर पे करेंगे। दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों की जान बचाने के लिए सरकारी विभाग के साथ साथ आमजन को भी आगे आना चाहिए, ताकि घायल व्यक्ति की मदद हो और उसका परिवार खुशहाल रहे। साथ ही अब ये भी भ्रम दूर होना चाहिए कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वालों से पुलिस पूछताछ करती है। अनूप शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।